एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल हिमाचली ब्लॉगर सरोज। तो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे। तो अभी मैं हूँ किचन में और मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ एक रेसिपी। यहाँ देखिए, मैंने ये जो है काले चने यहाँ पे ले लिए हैं और मैं बना रही हूँ इनके पकौड़े। तो ये जो है ये उबले हुए चने हैं, आप चाहे तो भिगोए हुए चने भी ले सकते हैं। तो ये मेरे पास उबले हुए पड़े थे तो मैंने सोचा इन्हीं से जो है आज बना लेती हूँ। बॉयल चनों के भी अच्छे बनते हैं और जो भीगे हुए चने होते हैं उनके भी बहुत अच्छे बनते हैं। तो अभी मैं इनको जो है मिक्सी में ग्राइंड कर लेती हूँ चनों को, और साथ में जो जो चीजें हमें इसके लिए चाहिए वो सब प्रिपेयर करके फिर हम आगे वीडियो शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ देखिए मैंने जो है चनों को यहाँ पे ग्राइंड कर लिया है, और इसे बनाने के लिए मैंने यहाँ पे एक बड़ी प्याज भी काट ली है और थोड़ा सा लहसुन काटा है यहाँ पे। और अगर आप नहीं खाते हैं तो आप ये जो है लहसुन स्किप भी कर सकते हो। और यहाँ पे मैंने ली है मसाला, गरम मसाला और नमक, अजवाइन और ये लाल मिर्च पाउडर और हल्दी। और आप ज्यादा मिर्ची खाना चाहो तो आप उसके हिसाब से ऐड कर सकते हो, लेकिन बच्चे खाएंगे तो इसलिए जो है मैंने कम मिर्ची यहाँ पे ऐड की है और सिर्फ मिर्ची पाउडर ही ऐड किया है। हरी मिर्च मैंने यहाँ पे ऐड नहीं की है, आप चाहे तो मतलब हरी मिर्च भी ऐड कर सकते हो। तो अभी जो है ये सारी चीजें मैं कर दूंगी मिक्स, और थोड़ा सा मैंने यहाँ पे दही भी लिया है। दही से जो है ये मतलब जो पकौड़े हैं वो थोड़ा सॉफ्टनेस मतलब अंदर से सॉफ्ट बनेंगे, अच्छे बनेंगे फुले फुले से। तो अभी चलिए फिर इन चीजों को मिक्स कर लेते हैं। सारी चीजें डालने के बाद मैं अब इस पे डालूंगी दो ये बड़े बड़े चम्मच बेसन के, और बस फिर हम जो है इसे कर लेंगे मिक्स अच्छी तरह से। और थोड़ा सा इसमें मॉइस्चर है भी है, और थोड़ा हम इसमें पानी डाल के जो है इसे मिक्स कर लेंगे। थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए जो है मैं इसे कर लूंगी मिक्स अच्छे से, जिस तरह हम पकौड़े दूसरे पकौड़े का बैटर बनाते हैं उसी तरह बस हमें जो है ये बना लेना है। और अभी मैं इसमें डालूंगी एक चीज और, थोड़ा सा मैं इसमें जो है आमचूर पाउडर डालूंगी। आपको पसंद है तो डाल लीजिए, नहीं पसंद है तो ना डालिए, पर उससे जो है पकौड़ों का टेस्ट बहुत अच्छा आ जाता है आमचूर पाउडर से। यहाँ देखिए थोड़ा सा मैंने यहाँ पे आधी सी चम्मच जो है आमचूर पाउडर इसमें डाल दिया है। तो अभी जो है ये बैटर बिल्कुल रेडी हो गया है, और एक तरफ फिर अभी मैं रख देती हूँ ऑयल। तो फ्रेंड्स, यहाँ देखिए ऑयल जो है गरम हो गया है, और अभी मैं इसमें डालूंगी ये पकौड़े। पहले मैं जो है आंच के ये मैंने कम कर ली है गैस की, क्योंकि ऑयल जो है काफी गरम हो गया है, और अभी जो है हम बनाते हैं पकौड़े।
अभी जो है पकौड़े बन के रेडी हो गए हैं, चाय भी बन गई है, तो चलिए आप भी खा लीजिए हमारे साथ। और वीडियो का एंड भी मैं यहीं पे कर दूंगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। और अगर फर्स्ट टाइम मेरे चैनल में हो, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलिएगा। तो बाय बाय फ्रेंड्स एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।